आई हैं आज दो सहेलियां। पहली है हिट शो स्वरागिनी और देवांशी का हिस्सा रह चुकी एलिशा, और उनके साथ बतौर किचन कंपेनियन उनकी भाभी पायल शाह। प्लीज वेलकम। और दूसरी है वो अपने शो उड़ान में इमली भुवन लाल, इमली विवान राजवंशी, इमली रणविजय सिंह और इमली घुमन सिंह के रोल्स करने वाली इस शो में 5000वीं गुज्जू एक्ट्रेस विधि पांड्या, जो आ रही है अपनी किचन साथी अपनी मामी जी अमी जोशी के साथ। जोरदार तालियां। हमारा पहला राउंड है नाश्ता का वास्ता। तो बताइए आज आप नाश्ते में क्या बनाने वाली हैं? जो आपको पसंद हो। और अगर मुझे नाश्ते बनाने वाली पसंद हो तो क्या मैं नाश्ते में क्या वो बना रहे? मिनी हॉट डॉग पसंद है केचप के साथ। हॉट डॉग मुझे पता है जिसमें क्या मिर्ची होता है। चुप नहीं, मिर्ची नहीं, स्पाइस कंट्रोल कर लेंगे हम। आपके टेस्ट का, आपके टेस्ट वाला। कुछ नहीं। हाँ गरम कुत्ता। अरे मैं कोल्ड कुत्ता। आप क्या बनाएंगी? मिनी पैनकेक स्क्यूअर्स। समय बर्बाद ना करते हुए काउंटडाउन शुरू किया जाए। बोलिए अब्बा, जब्बा, डब्बा, डब्बा। ओके गो, जाओ अपने अपने किचन प्लेटफॉर्म्स पर और शुरू करो। विधि बताइए इसमें क्या क्या सामग्री डलती है? सबसे पहले हम डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे मुझे बताना बात विधि, गर्मियों में जो है बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, आपने ऐसी कौन सी मस्ती की है? जब मैं छोटी थी यही जो मम्मी खाना बनाती थी इतने प्यार से मैं फेंक देती थी। भिंडी और आलू के सिवा मैं सब फेंक देती। तो क्या आप वड़ा पाव खा के बड़ी हुई हैं? गुजराती हूँ इसलिए मैं शेवपुरी, पानीपुरी, भेलपुरी। शेवपुरी, पानीपुरी, भेलपुरी खा के देखिए कैसे हो सकते हैं। मैं दूध भी फेंकती थी बेसिन में। दो साल पहले तक तुम दूध पी रही थी? दूध तो पीता ही हो ना यार। How mean. आज बच्चों को बुलाया शो में, ये कम थे। चलो फूड प्रोसेस पे आते हैं। बताइए अभी आप डालेंगे इसमें प्याज। प्याज ओके, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स, गाजर, टमाटर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, राजमा डालकर अच्छे से पका ले। बॉइल्ड राजमा इसमें हमने ऐड किया है। ओके। अभी इसमें डालेंगे हम चिली सॉस, ये भी थोड़ा ही डालेंगे। इसमें बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू डाल दिया, ठीक है। फिर लास्ट उसमें चीज डाल देंगे। आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, कुछ बताओ एक दूसरे के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद करती है खाना ज्यादा। हम ऊटी गए, हम मालदीव्स गए, रात को 10 बजे सो जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं हमेशा इससे पूछती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ गुड हैबिट। हॉलीडे पे कौन सोता है यार? चलिए फूड प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, अभी हमने ये मिक्सचर कूल करने के लिए रख दिया है। ओके। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके कबाब रोल करके। ओके, इसमें धनिया डालना है? ये आपने बोला ही है तो थोड़ा हल्का सा डाल देते हैं। चलिए आप इसे बनाती रहिए, ब्रेड क्रम्स लगाएं, तब तक मैं हेली के पास जाता हूं। इसमें क्या क्या सामग्री डलती है? इसमें हमने सबसे पहले आटा, मैदा, नमक जितना टेस्ट के हिसाब से चाहिए, और दूध लेके अभी हम इन। अरे आपका फेवरेट दूध, थोड़ा और डालिए। पियो ना, एक सिप यहाँ ढोकले के साथ ही खाएगी। आज मैंने खा लिया।
वैसे एली अगर तुम हाथ से गूनोगी तो ये जल्दी हो जाएगा। आटा थोड़ी गूंदना है, बैटर बनाना है ना। अभी क्या? अभी इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। शुगर डाल दिए। अभी हम बटर मेल्ट करेंगे। अभी हमने मेल्टेड बटर जो है बैटर में डाल दिया है। अभी क्या डाल रही हो इसमें आप? अभी हम एक दूसरे बोल में बेरी क्रश और क्रीम चीज मिक्स करके, ये बहुत अमेजिंग बनेगा देखना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये हम पैनकेक के ऊपर जो भी फिलिंग या जो भी डेकोरेट करेंगे ना उसके लिए है। हाँ, मतलब बीच में ये जाएगा लाइक अ स्प्रेड। ओके वाओ, भाभी तो बहुत प्रोफेशनल लग रही है यार हर चीज में। गुजराती लोग खाना मस्त बनाते हैं। हाँ, क्या कर रही हो हेली? क्रीम चीज और बेरी क्रश मिक्स किया था, अभी उसके अंदर मैं थोड़ी सी शुगर डालूंगी। पाउडर्ड शुगर। ओके। वहाँ पैनकेक्स ऑलरेडी बन रहे हैं, उसके बाद जैसे ही सब रेडी हो जाएगा हम स्क्यूअर्स में क्रीम चीज और बाकी चीजों के साथ उसे अरेंज करेंगे प्लेटिंग करेंगे। ओके, वेरी गुड। चलो ये भी ऑलमोस्ट तैयार लग रहा है मुझे। यस। अब इसको हम ये बीच में से काट के हॉट डॉग की तरह। ओके, बिकॉज़ इट्स मिनी हॉट डॉग। करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए प्लीज अपनी अपनी प्लेट को सजाइए। तो ये हमारे पैनकेक स्क्यूअर्स रेडी है। तो प्लीज अपना अपना खाना लेकर यहाँ पर आ जाइए। वाह वाह,